का संदेश दिया जा सके, विपक्षी खेमे को दिखाया जा सके कि हम एकजुट हैं। और इसी ताकत के बल पर जिस तरीके से 5 राज्यों में हमने बेहतर परफॉर्म करके दिखाया, वैसे ही हम 2019 में भी आपको शिकस्त देंगे। इसी कोशिश में आज कांग्रेस पार्टी आज अल्बर्ट हॉल में इतने बड़े कार्यक्रम को कर रही है, जहां से शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर सामने नजर आएगी आपको। और आप आज के बाद देखेंगे कि वाकई क्या एकजुटता नजर आती है। और इस बीच कल की अगर हम बात करें तो स्टालिन, उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने ये बयान दिया कि हम यहाँ से ये कह रहे हैं विपक्षी नेताओं के सामने कि राहुल गांधी को पीएम चेहरे के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। हम उनको स्वीकार करते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो अब चर्चाएं शुरू हो चुकी है कि राहुल गांधी ही विपक्षी खेमे के चेहरा होंगे। तो ये तस्वीरें अल्बर्ट हॉल की आप देख रहे हैं। एक ही करके जो नेता हैं वो राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। प्रमोद तिवारी को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके अलावा जो और दलों से जुड़े हुए नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ना केवल देश के अलग अलग कोने से बल्कि अगर दक्षिण की राजनीति से जुड़े हुए नेताओं की बात करें तो वो भी यहाँ पर मंच पर मौजूद नजर आ रहे हैं। और अब से थोड़ी देर के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन एक बात तो साफ है, जो कि परफॉर्मेंस रही है कांग्रेस पार्टी की इन 3 हिंदी भाषी राज्यों में।